Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 2. The chapter name is Change of 100. Dear students, अब तक इस chapter के 7 parts को हमने complete कर लिया, जहाँ हमने sum of exercise को solve किया, हमने जहाँ पर जो Indian currency है उसको relate करके coins and जो notes हैं उनकी value को समझा, और हम ये understand कर पाए थे कि number of notes and value of notes में difference होता है. Like जैसे हमारे पास में अगर 10 रुपीज़ का 1 नोट है, इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ नोट है 1 एंड द वैल्यू ऑफ नोट है 10. सो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके थे. इन दिस वे हमने जो काफ़ी सारे हमारे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व कर लिया था, और हम ये समझ पा रहे थे कि जो हमारी डेली लाइफ है वहाँ हम इस करेंसी का यूज़ कैसे कर पाएंगे. और हमने नोट्स एंड कॉइंस को कलेक्ट करके उनकी जो टोटल वैल्यू है उसको भी फाइंड कर लिया था. इट मीन वी कैन से कि हमने टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइंस एंड नोट्स को फाइंड किया था. आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है जो कि हमने बैकअप चैप्टर्स में क्लियर किया था, लाइक 7 चैप्टर 6 चैप्टर में, यानी एडिशन जैसा जो एडिशन हो या फिर हमारे सब्ट्रैक्शन जैसे टॉपिक हो जिनको हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पूरा किया था, उनको हम रिवाइज करेंगे इंक्लूड करते हुए हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको. इट मीन इन शॉर्ट वे वी कैन से कि हम ऐड करेंगे करेंसी का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एडिशन ऑफ करेंसी. ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है. जैसा यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसमें हम देख पा रहे हैं हमारे पास है ₹20 एंड ₹5. सो हमें इन दोनों का ऐड करना है. हमारे पास कई सारे टाइप्स हैं ऐड करने के. हम चाहें तो 20 after 5 मोर ऐड कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर लेंगे, या हम नोट्स की सहायता से, नोट्स की हेल्प लेते हुए भी कर सकते हैं. 20 रुपीज़ का 1 नोट एंड 5 रुपीज़ का 1 कॉइन और नोट. सो हम दोनों को जब टोटल करके देखते हैं देन हमें आंसर फाइंड हो जाता है. तो चलो हम, या फिर हम वंस एंड टेंस जो हम अच्छे से लर्न कर चुके हैं वो पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. हम वंस प्लेसेस को वंस प्लेसेस में ऐड करेंगे, टेंस प्लेसेस को टेंस प्लेसेस में ऐड करेंगे एंड देन वी गॉट आंसर. ओके, तो हमें जो भी मेथड ईजी लगे, जो मेथड हमें अच्छे से आता हो, हम उसका यूज़ कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो हम सॉल्व करते हैं. लाइक हम यहाँ देख पा रहे हैं वंस प्लेसेस की वैल्यू कितनी है. फर्स्ट नंबर में वंस प्लेसेस की वैल्यू है 0. सो वी कैन ड्रॉ ए लाइन, नो, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग. इन मैथमेटिक्स वी अंडरस्टैंड कि 0 का मीन्स होता है नथिंग. सो हमें कोई भी लाइन क्रिएट नहीं करनी है. अनदर नंबर की बात करें तो उसके वंस प्लेसेस पे हम देख पा रहे हैं 5 को. सो हम 5 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5. 0 and 5 द टोटल अमाउंट इज 5. सो वी राइट है 5. एंड अब बात करें टेंस प्लेसेस की, तो फर्स्ट नंबर के टेंस प्लेसेस पे हमें जो नंबर शो हो रहा है दैट इज़ 2. एंड अनदर नंबर की बात करें तो उसमें टेंस प्लेसेस नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ए 1 डिजिट नंबर एंड वी नो अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसमें टेंस प्लेसेस होता ही नहीं है, वो वंस प्लेसेस वाले नंबर होते हैं. सो हम देख पा रहे हैं 2 and nothing दैट इज़ टोटल नंबर इज़ 2. सो हम कह पा रहे हैं कि 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ द टोटल अमाउंट इज एज 25. सो वी राइट देयर 25. ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर. यहाँ हम देख पा रहे हैं ₹15 and ₹12. ओके, सो हम इनको ऐड करेंगे. सबसे पहले हम वंस प्लेसेस चेक करते हैं. हेयर इज ₹5, यानी 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5. ओके, एंड वी कैन सी हेयर 2 1 and 2 मोर. सो अब टाइम है इन दोनों को एक साथ काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7. सो वी राइट हेयर 7. ये था हमारा वंस प्लेसेस. अब हम मूव करेंगे हमारे टेंस प्लेसेस की ओर. तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा टेंस प्लेसेस पे है दैट इज़ है 1. सो वी ड्रॉ ए 1 लाइन एंड अनदर नंबर का टेंस प्लेसेस हमने चेक किया तो देयर इज़ आल्सो 1. सो वी बैक 1 मोर लाइन. ओके, लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली. सो अब इनको एक साथ हम काउंट कर लेते हैं, 1 and 2. सो वी राइट हेयर 2. इट मीन्स अगर 15 रुपीज़ में 12 रुपीज़ को हम ऐड करते हैं देन द टोटल आंसर है वो हमारा होता है रुपीज़ कितना, 27. ओके, चलो हम इसे और किसी मेथड से भी कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे. कैसे? देखिए हम अनदर मेथड को भी लर्न करते हैं. लाइक हम जैसा यहाँ देख पा रहे हैं हमारे जो रुपीज़ हैं अमाउंट है वो कितना है, 15 and 12. तो देखिए हम ये कह सकते हैं जो हमारा 15 का अमाउंट है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. हम 10 रुपीज़ का 1 नोट ले लेंगे, ओके, एंड 5 रुपीज़ का 1 नोट दैट इज़ 15. अब 12 की बात करें तो 10 रुपीज़ का 1 नोट एंड 2 का कॉइन ले लेंगे. ओके, ये सारे हमने ओपन कर लिए. अब इन्हें आप ऐड कर लीजिए, ईजी है. 10 and 10 20, then 5, 25, then 2, 25 after 2 more, 26, 27. So we write here rupees 27. So आपको जो मेथड इजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं और करेंसी का एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। यहाँ हम देख पा रहे हैं रुपीज़ 52, इट मीन्स 50 रुपीज़ नोट and 2 rupees coin, okay, and rupees 17. So we write 10 rupees note, 5 rupees note and 2 rupees coin. हो गया। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा ये है, लाइक हम दूसरा मेथड यानी हमारा सेकंड मेथड भी देखेंगे, वंस एंड टेंस वाला। हम दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर 0 and 2 दैट इज टोटल 2, देन 0 more than 2, देन 5, 2 after 5, 7 and 2 more that is 9, okay, and 5 and 1 that is 6. So answer is 69. चलो अब इसको चेक करते हैं हम हमारे वंस एंड टेंस मेथड से। चलो चेक करके देखते हैं क्या हमने ये सही फाइंड आउट किया। देखिए फर्स्ट नंबर की बात करें तो वहाँ वंस प्लेसेस पे हम देख पा रहे हैं 2 को, सो वी राइट 2 लाइन्स, ओके। सेकंड नंबर में वंस प्लेसेस पे हमें शो हो रहा है 7, सो वी मेक 7 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। वंस प्लेसेस कंप्लीट। सो अब टाइम है इन्हें एक साथ काउंट करने का। चलो शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो वी राइट देयर 9 ऑन वंस प्लेसेस टोटल, ओके। चलिए अब बात करते हैं टेंस प्लेसेस की। टेंस प्लेसेस में फर्स्ट नंबर को जब हमने चेक किया तो वहाँ पर है टेंस प्लेसेस में 5, 1, 2, 3, 4, 5। अनदर नंबर में 1 है, सो वी 1 more लाइन क्रिएट कर लेंगे एंड हम इन्हें इंक्लूड करेंगे, एक साथ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो वी राइट देयर 6. इट मीन्स वी कैन से ₹52 and ₹17 द टोटल एज 69 रुपीज़। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। हियर इज द ₹34 and ₹22, सो वी कैन ईजीली ऐड देम, ओके। चलो करते हैं, स्टार्ट करें रुपीज़ से करें। चलो 34 मीन्स 30 and 4, तो 30 का नोट्स होता है क्या? नहीं होता। 30 के नोट्स के लिए हमें क्या करना पड़ा था? 20 and 10 rupees goes as 30. 4 rupees का कोइन या नोट होता है? नहीं, तो हम 2 rupees के 2 coins ले सकते हैं। हो गया हमारा 34। देखिए 20 and 10 दैट 30 and 32 and 34. अब बात करें 22 की, सो 20 मीन्स 20 का नोट एंड 2 मीन्स 2 का कोइन, दैट इज़ 22. सो ऐड कर लीजिए 20 and 10, 30, then 20, 30 after 20, 40, 50, 50 after 2, 52, then 2 more, 53, 54, then 2 more, 55, 56. So we can easily write here 56. So हमारा आंसर कितना होगा? ₹56. चलिए वंस एंड टेंस प्लेसेस पे भी आप चेक कर लीजिए, 4 and 2 एज 6, 3 and 2 एज 5, सो हमारा आंसर सही है। सो हम किसी भी मेथड से करें, करेंसी का जो टोटल है वो कभी भी चेंजेस नहीं होगा, वो आंसर सही होगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। हेयर वी कैन सी ₹50 and ₹38, सो ये तो बड़ा इजी है। 50 rupees मीन्स नोट ऑफ 50, दैट इज़ क्लियर, एंड 38 मीन्स 30 का नोट होता नहीं है। सो 30 का नोट हम कैसे क्रिएट कर रहे थे? 20 and 10 दैट इज़ 30, एंड 8 rupees कोई नोट होता है? नहीं होता ना। सो हम कैसे कर रहे थे 8 को? 5 rupees का, वो 2 rupees का एंड 1 rupees का कोइन लेंगे तो टोटल अमाउंट 8 हो जाता है। हमने देखा था ना लास्ट प्रीवियस पार्ट में। तो चलिए अब हम इसका टोटल फाइंड करते हैं। 50 after 20, 50 after 20, 60, 70, दैन 10, 80, 80 and 5, 80 and 5, 81, 82, 83, 84, 85, 85 after 2 more, 86, 87 and 1 more, 88. So we write here 88. So हमारा आंसर कितना हुआ? 88. So हमने यहाँ लिखा ₹88. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। हमारा यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है ₹63 and ₹32. हम इसे ऐसा करते हैं, वंस एंड टेंस से ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में वंस प्लेसेस पे है 3, सो वी राइट 1, 2, 3 लाइन्स, एंड सेकंड में वंस प्लेसेस पे 2 है, सो वी मेक 2 more लाइन्स। वंस प्लेसेस कंप्लीट, एक साथ काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, सो वी राइट हेयर 5. अब बात करेंगे हम टेंस प्लेसेस की। टेंस प्लेसेस पे हमने देखा कि फर्स्ट नंबर में है 6, सो 1 2 3 4 5 6। एंड अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें तो उसमें टेंस प्लेसेस पे है 3, सो 1 2 3 मोर लाइन्स। अब हम इन दोनों लाइन्स को एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so we write here 9. It means we can say कि जो total amount है हमारा 632 का, जो हमारा total amount होगा वो होगा 95, so we write there 95. तो चलिए next की ओर move करें। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ₹24 एंड ₹18, तो चलिए इन्हें ऐड करके देखते हैं। वंस प्लेसेस पे है 4, 1 2 3 4। अनदर नंबर का वंस प्लेसेस है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वंस प्लेसेस की सारी लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इन्हें टोटल काउंट करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अमाउंट कितना हुआ 12, सो वी कैन राइट देयर 12. No, because 12 is two-digit number. It means we can write there only ones places number. And जो हमारा tens places पे यहाँ number है उसे हम carry over के रूप में as a carry आगे की ओर forward करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ हमने देखा 2, so we write here 2 and 1 is as carry over. Okay? चलिए अब हम हमारे tens places को count करते हैं। First नंबर में जो टेंस प्लेसेस की वैल्यू है वो है 2, सो 1 2। नेक्स्ट नंबर में 1, सो 1 मोर, एंड कंप्लीट हो गया ना टेंस प्लेसेस पूरा। नो, देयर इज 1 रिमेनिंग, दैट इज एज कैरी, सो 1 मोर लाइन, सो 1 2 3 4, here we can write 4, so answer is as ₹42. It means 24 and ₹18, the total goes as 42. That is our आंसर। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला जो रुपीज़ नंबर है वो है हमारा 52 एंड ₹48। तो चलिए इन्हें हम नोट्स एंड कोइन से सॉल्व करते हैं। 52 मीन्स 50 होता है नोट 50 का, बिल्कुल, एंड 2, इजी था ना। अब 48 की बात करते हैं। 40 मीन्स 20 एंड 20, दैट इज़ 40 हो गया, एंड 8, 5 एंड 2 एंड 1, दैट इज 48। चलिए अब एक साथ काउंट कीजिए। 50 आफ्टर 20, 60, 70, देन 20, 80, 90, देन 2, 92 एंड 5, 93, 94, 95, 96, 97, देन 2, 98, 99 and one more, that is total 100. So we can say the total amount is as ₹100. Okay, हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया ना 100, 52 एंड 48, टोटल अमाउंट कितना हुआ ₹100. तो चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं। Here is the next and last one is ₹53, ₹12. तो चलिए इसे सॉल्व करें। ₹53 मीन्स 50 एंड 2 एंड 1, 53, बिकॉज 50 का नोट होता है बट 3 का कोई नोट नहीं होता ना। सो हमने 3 कैसे क्रिएट किए थे लास्ट क्लास में, 2 एंड 1, तो ₹2 का कोइन हमने लिया एंड ₹1 का कोइन हमने ले लिया। देन अब 12 की बात करें तो ₹10 का नोट भी होता है और ₹2 का नोट और कोइन होता है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब टोटल नंबर हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 50 आफ्टर 10, 60 एंड 2, 61, 62 एंड 1, दैट इज 63 एंड 2, 64, 65, सो वी राइट हियर 65, so answer is ₹65. तो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कैसे हम अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स थे उनका यूज़ कर रहे हैं, एंड जो करेंसी के एडिशन है उन्हें बड़े ही इजी एंड जो इंटरेस्टिंग वे है उसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।